सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी ही होनी चाहिए। हर सुबह ये ना सोचो कि कल क्या हो सकता था, बल्कि ये सोचो आज क्या बेहतर किया जा सकता है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, और संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 1:13 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र शाम 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 7:53 से 9:20 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:40 से 12:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर ब्रह्मचारिणी देवी की आशीर्वाद बना रही। मकर राशि 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, आपका परिवार आपकी पेशेवर सफलताओं का जश्न मनाने के लिए तैयार है। अपनी पदोन्नति या वेतन में वृद्धि का पूरा मजा लें। धन प्राप्ति की संभावना है लेकिन गलत निवेश से बचें और जरूरत पड़ने पर चौकन्ना रहें। आपके प्रियजन या पड़ोसी किसी परेशानी का सामना कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है और अब किस्मत आपकी ओर है। आप भावनात्मक स्तर पर निराश नहीं होंगे और वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे। सफलता को एक उपहार की तरह ले और अपने जीवन पर किसी को शासन ना करने दें। अपनी उपलब्धियों को लेकर विनम्र रहें क्योंकि विनम्रता लोगों के दिल को जीतती है। कोर्ट केस संबंधित मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग द्वारा फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। सूझबूझ और विवेक से काम लें, सफलता निश्चित है। बच्चे की किलकारी संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। रिस्क ना ले अपने विचार अन्य लोगों को समझाते समय, उनकी सोच का भी ध्यान रखें। कुछ बातों में संतुलन बिगड़ेगा। हर बार लोगों की सोच के अनुसार खुद में बदलाव करना गलत है। किसी व्यक्ति के साथ विवाद हो सकता है लेकिन तुरंत समझौता करके काम पर फोकस करना होगा। पार्टनर के साथ बात करते समय किसी भी बात का दबाव उन पर ना बने, ये ध्यान रखें। सावधानियां, प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें, वरना दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के प्रयासों से घर का वातावरण कुछ व्यवस्थित हो सकता है या हो जाएगा। प्रेम संबंधों में आपसे सामंजस्य के अभाव की वजह से दूरियां आ सकती है। अपने रोजाना के व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर आज आराम करें। यह समय अपने साथी के साथ बिताने के लिए उपयुक्त है क्योंकि अपने प्यार की गर्मी से आप हर गलत फहमी को पिघला सकते हैं। कोई यात्रा की योजना बनाएं ताकि मनोरंजन के साथ साथ अच्छी कंपनी भी मिल सके। आज भाग्य आपके साथ है और आपको धन प्रसिद्धि व पहचान प्राप्त होगी। आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। रोमांस की दृष्टि से भी आप भाग्यशाली हैं। आने वाले समय में आप कुछ गुलाबी छड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जीवन का हर पल अलग और अनूठा है, इसीलिए इन्हें गंवाने की जगह उनका सही उपयोग करें। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। न केवल अपनी कड़ी मेहनत बल्कि आपकी कला भी आपको नए कीर्तिमान बनाने में मदद कर सकती है। भाई बहन की परेशानियों और आपके पिता पर आया संकट आपको चिंतित करेगा। यात्रा की योजना को आज रद्द करना ही बेहतर होगा। आपकी कड़ी मेहनत सफलता को ऐसे आकर्षित कर रही है जैसे जन्मदिन का केक अजनबियों को आकर्षित करता है। भावनात्मक रूप से आप खुद को भाग्यशाली मानेंगे। स्वयं के लिए भी समय निकालें।
इस छोटे से जीवन में आपको बहुत चीजें करने की इस छोटे से जीवन में आपको बहुत चीजें करने को मिलेगी। ऐसे में कुछ गलतियां होने की भी पूरी संभावना है। बात करते हैं सेहत की। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। पेट संबंधी समस्या भी दूर होगी। आज का उपाय, आज आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।